वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सक्सेना फ्रॉम डॉक्टर रवि डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एंड ऑर्थोडॉन्टिक सेंटर। मेरा क्लिनिक उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली में सिचुएटेड है और मेरा एक चैनल चलता है यूट्यूब पे जिसका नाम है डॉक्टर रवि सक्सेना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410214520 94102-14520। मैं आज ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो लोग ओरल डिजीज से ग्रसित हैं, जिन्हें कि ओरल सर्म्यूकस फाइब्रोसिस OSMF, ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लैनस, रेथ्रोप्लेकिया, ओरल कैंडिडियासिस जैसी बीमारियाँ हैं और उनसे पीड़ित हैं। मेरे आज की वीडियो में आपको इन बीमारियों का इलाज तो बताऊँगा और संग में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो बताऊंगा, आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या अप्रोच अपनानी है आपको किस ट्रीटमेंट के लिए, ये भी बताऊंगा। मेरे पुरानी वीडियोस मैंने काफ़ी बता रखा है कि आप लोग क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किन लोगों को सर्जरी का सहारा लेना चाहिए, किन लोगों को दवाइयों से या एक्सरसाइज या मेडिसिन से आप सही हो सकते हैं, मैंने बता रखा है। मेरी पुरानी वीडियोस में होम रेमेडीज बता रखी हैं मैंने, ट्रीटमेंट मोड बता रखा है, लेकिन कुछ आज मैं आपको नया बताने जा रहा हूँ। जो पेशेंट्स ओरल सर्म्यूकस फाइब्रोसिस जैसी डिजीज से या लाइकेन प्लैनस ल्यूकोप्लेकिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे पेशेंट्स को अपना मनोबल थोड़ा सा ऊँचा रखना चाहिए, उनको हार नहीं माननी चाहिए। या जो पेशेंट्स कार्सिनोमा यानी कि ओरल कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको भी आपको जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, कुछ करना है तो हौसले बुलंद होने चाहिए। जब आप लोगों ने गुटखा खाया, पान, तंबाकू, खैनी, मावा, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से प्रचलित हैं ये चीज़ें, मैं एक छोटा सेंटेंस कहता हूँ, ये मादक पदार्थ होते हैं। मतलब गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी, सुरती आदि ये सब चीज़ें, दारू, सिगरेट, ये आपको नुकसान करती हैं, आपको इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। ऐसे में पेशेंट्स को कई बीमारियां हो जाती हैं जिनका मैंने वीडियो में नाम लिया हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा जो इसमें लोग सफ़र करते हैं लोग वो हैं ओरल सर्म्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। ओरल सर्म्यूकस फाइब्रोसिस, गुटखा खाने से मुँह छोटा हो जाना, खैनी खाने से मुँह छोटा हो जाना, और लाइकेन प्लैनस भी बहुत लोगों को होता है। ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। पहले तो कुछ लोग स्ट्रेस मिटाने के लिए खाते हैं, उसके बाद इस तनाव में जीते हैं कि मुझे कैंसर ना हो जाए, ये अलग से स्ट्रेस लेवल होता है। और कैंसर हो गया तो घर परिवार कैसे चलेगा, सारा पैसा इलाज में चला जाएगा, या फिर उस इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इस वीडियो से ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये नहीं कि आप गुटखा खाते रहेंगे और डरे नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं दुनिया में और डॉक्टर्स बैठे हैं आपको ट्रीटमेंट कैंसर का कर देंगे। आप इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं क्या कि आप लोगों को कंपनियों ने ऐसा कह दिया है कि कोई बात नहीं साहब, आप गुटखा खाइए, कैंसर होगा हम देख लेंगे। देखिए आदमी इंश्योरेंस क्यों कराता है, जिससे कि ऐन वक्त पे आपको कुछ हो, बीमारी हो एकदम से, और आपके पास एकदम से एक पुष्ट रकम नहीं होती है इलाज कराने के लिए, आप आराम से हॉस्पिटल जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है। लेकिन उसके बिहाफ पे अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, नहीं मेरा तो इंश्योरेंस हुआ है कोई बात नहीं, अगर मुझे कैंसर होगा कोई टेंशन नहीं है, कंपनी मुझे देख लेगी, मेरा इलाज करा देगी, उस इंश्योरेंस के सहारे मत रहिए। अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल दीजिए कि आप लोग गुटखा खाते रहेंगे आपको कैंसर होगा और आप अस्पताल में जाके जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको पहले से ही प्रिकॉशन प्रिवेंशन लेना पड़ेगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको अपनी बीमारी का इलाज खुद ही पहले ढूंढना पड़ेगा और वो शुरू होता है आपको इन चीज़ों पर रोक लगाने से। जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है इमीडिएट स्टॉप करिए, उसे रोकिए। दूसरी चीज़, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, कम से कम ऐसे लोगों से बात करें
जो आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप करें, आपको मनोबल दें, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए सही होने का, तैयार तभी आप सही हो पाएंगे। ओके, आपको अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको सही होना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ऐसे पेशेंट्स सोचते हैं हम परिवार पे बोझ बन गए हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। परिवार वालों को भी उनका साथ देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, नहीं आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, चिंता मत करिए, आपके परिवार वाले भी आपके साथ होंगे। पहले पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। हाँ, मेरा डॉक्टर मुझे सही कर देगा। अगर आप सही होने के इरादे से डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको अपने जो डॉक्टर ने परहेज़ बता रखे हैं वो प्रॉपर परहेज़ करने पड़ेंगे, जो सावधानियां बता रखी हैं वो बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर साहब मैंने गुटखा खाना छोड़ दिया है, बस मैं सिगरेट पीता हूँ। देखिए, नशा आप अभी भी कर रहे हैं, पहले तंबाकू खाते थे, अब आप तंबाकू धुएं के रूप में अंदर ले रहे हैं, तो सही कहाँ से होंगे। डॉक्टर साहब मैंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, बस मैं थोड़ी बहुत लाल मिर्च लेता रहता हूँ। जो चीज़ आपके लिए जहर है, जहर शायद थोड़ा सा जाए, चाहे ज़्यादा पिए, चाहे एक चम्मच लें, चाहे दो चम्मच लें, जहर जहर होता है, वैसे ही असर करेगा, बॉडी ख़राब करेगा आपकी। सो मैं कैंसर से ग्रसित लोगों को, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स को, लाइकेन वाले, लाइकेन प्लेनस वाले पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, आपके डॉक्टर ने जैसा बता रखा है वैसा ट्रीटमेंट लीजिए। अगर जिसको सर्जरी करानी है वो सर्जरी कराए, जिसको दवाई खानी है दवाई खाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए, और इमीडिएट गुटखा, खैनी, पान, तंबाकू, सुरती, दारू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब आप छोड़ दें, इसका सेवन नहीं करें, तभी आप प्रॉपर सही हो पाएंगे। और आप लोगों को हौसला नहीं खोना चाहिए। जितना आप सोचेंगे कि मैं सही नहीं हो पाऊँगा, जितने निगेटिव लोगों से बात करेंगे आपके अंदर उतनी बीमारी बढ़ेगी, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। साइकोलॉजिकल बहुत जल्दी इफेक्ट डालती हैं सब चीज़ें, आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं, मैं सही हो सकता हूँ, मैं सही होऊंगा, सही होके दिखाऊंगा। आपने कई जगह कैंसर के पेशेंट्स को बोलते हुए भी देखा होगा, बहुत से एक्टर एक्ट्रेस हैं जो बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित थे और सही हो गए, वो उन्होंने लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप किया हुआ है। सो आप लोग भी ऐसे बनिए और पॉजिटिव अप्रोच अपनाइए ट्रीटमेंट के प्रति। बाकी वीडियोज़ में मैंने बता रखा है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़, स्ट्रेस फैक्टर कम होना चाहिए। बार बार आपको जाके मिरर में, शीशे में नहीं देखना चाहिए, अरे आज तो मेरे कम लाल है, अरे परसों ज़्यादा लाल था, आज कम लाल हो गया है, आज ज़्यादा सफ़ेद हो गया है, कितने साल गुटखा खाया है आपने, तब जाके आपको ये बीमारी हुई है। किसी ने तो कुछ महीनों में ही हुआ खाया, गुटखा खाया हुआ है और उसको बीमारी हो गई है, OSMF हो गया है, सफ़ेद चकत्ते पड़ गए, लाल चकत्ते पड़ गए मुँह के अंदर। सो आप एक दिन में कैसे सोच सकते हैं कि आप सही हो जाएंगे? चेंजेस भी धीमे धीमे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर ये चीज़ यहीं रुक जाए वो ज़्यादा बेटर है। हेल्दी टिश्यू बनने में, नेचुरल उसका ह्यू, कलर, टेक्सचर आने में टाइम लगता है और बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, बहुत अधिक मेहनत चाहिए आपको। दवाई के संग संग आपका एक डॉक्टर पर विश्वास और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप 21 दिन लगातार करते रहते हैं वो आपकी आदत में शुमार हो जाती है। 22वें दिन भी आप वही करेंगे, और अगर इस तरह से आप 3 बार 21 दिन के साइकिल रिपीट कर लेते हैं, वो आपकी एक आदत बन जाती है, डेली रूटीन में आ जाता है, वो आदत से आप फिर भटक नहीं सकते। तो आप खुद सोचिए, आपने कितने समय तक आपने गुटखा खाया है, उस आदत को ब्रेक करने के लिए आपको अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी 21 दिन के लिए कम से कम, ठीक है, 3 बार कंटिन्यूअस, तब जाके वो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ शुमार हो जाएगी और आप अपनी राह से भटकेंगे नहीं, अच्छी राह पे चलेंगे, बुरी आदतों का सहारा नहीं लेंगे। स्ट्रेस जितना लेंगे उतना ओरल डिजीज़ बढ़ेगी, उतने स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे, BP हाई होगा, टेंशन्स होंगी, लाइकेन प्लेनस जैसी बीमारी बढ़ेंगी, आपको स्ट्रॉइड्स का सहारा लेना पड़ेगा, तरह तरह के लोगों की बात सुनेंगे, आपका पैसा खर्च होगा, और जो पैसा अच्छे कामों में लग सकता है वो आप बेकार की चीज़ों में खर्च हो जाएगा।
गुटखा खैनी तंबाकू सिगरेट धुएं को पीने से आपको क्या मिलता है? इट्स अ शियर वेस्टेज ऑफ मनी, सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हैं, खा के थूक रहे हैं, खा के सड़क गंदी कर रहे हैं, शरीर गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैल रहा है, सिगरेट का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने के लिए आप सिगरेट पी रहे हैं, ताज़ी हवा लीजिए ना पेड़ के नीचे खड़े होके, ये आपको फ़ायदा करेगी। सिगरेट पीने का अगर वो शौक़ है आपको तो पाइप लीजिए, उसे खाली रखिए, उसे ऐसे खींचिए, कम से कम ऑक्सीजन लीजिए मुंह से, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी, है ना। तो वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको ये बता दिया है, सेकंड पार्ट जो मैं कवर कर रहा हूँ वो ये है कि जो पेशेंट्स ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं वो जल्द से जल्द मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरे संपर्क में आए। मेरा नंबर है 9410214520। जिन किन्हीं का एक उंगली जाता है मुंह के अंदर उनको सर्जरी करानी चाहिए, अगर दो या उससे अधिक जाते हैं तो वो दवाइयों से और एक्सरसाइज से जल्दी सही हो सकते हैं। मिनिमम कम से कम 5 महीने तो आपको दवा खानी चाहिए और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको, समय समय पर विजिट करते रहना चाहिए। लाल मिर्च, हरी मिर्च, नींबू और आदि मादक पदार्थों का आपको सेवन नहीं करना है, ये ध्यान रखें। मेरी होम रेमेडीज मैं आपको लास्ट में फिर से बताता हूँ एक बार, एक टमाटर आप लोग रोज चबाएं, एक कप काली चाय पिए, चुटकी भर हल्दी, एक चम्मच शहद दोनों को मिला लें, गालों पर अप्लाई करें दिन में 2 बार कम से कम। संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, कीवी, इन फलों का सेवन ज़रूर करें। फल चबा के खाएं, जूस ना पिए, फलों को चबाएं, उससे आपके जो भी कोलेजन बैंड होते हैं, जो हार्ड हो गए हैं फाइब्रोटिक बैंड, वो सॉफ्ट पड़ते हैं, एक तरह की नेचुरल एक्सरसाइज होती है और आपको खुद फील गुड होगा, माउथ ओपनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी उससे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज अवॉइड ऑल दिस न्यूसेंस कॉजिंग एंड बैड हैबिट्स, दे विल स्पॉयल योर फ्यूचर एंड योर फैमिली। सो टेक माई वर्ड्स, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, यू विल बी 100% ऑल राइट, नेवर लूज योर होप, आप बिल्कुल सही होंगे। कभी भी मेरे से बात करने के लिए मेरा सही समय दोपहर 2 से 3 है, दोपहर 2 से 3, इस बीच में मुझे आप कॉल कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने बता रखा है, 94-102-14-520, 9410214520, इस पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके आप मुझे कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं आप, उसके लिए कुछ आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, मुझे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपना ओरल कैविटी मुझे दिखा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट फॉलोअप कर सकते हैं। सो विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, आई एंड अप माय वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड